ऑटो में जो रफ्तार है, मुझे लग रहा है मारुति में जो एक काफी सालों से एक पेंडिंग लेवल था 10,000 का, मुझे लग रहा है वो 10,000 का लेवल अभी पार हो जाना चाहिए। एंड जिस तरीके से यहाँ पर एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट था, उसके बाद एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट है, तो ये सारे कन्विक्शन अभी भी बढ़ा रहे हैं कि लगभग मुझे लग रहा है आज का जो मोमेंटम मिला है वो 10,160 तक एक्सटेंड होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करनी है मारुति के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा अभी दिखाई दे रहा है, लगभग अराउंड 9840 का लेवल मुझे लग रहा है इम्पोर्टेंट है। तो 9840 के लेवल के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पोजिशनल लॉन्ग्स ऐड करने की सलाह होगी। मुझे लग रहा है इवेंचुअली ये पर्टिकुलर स्टॉक 10,600 के पार भी निकल जाएगा, बट ट्रेडिंग के लिहाज से, इंट्राडे के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 10,160 का। सो खरीदारी करनी है मार्केट।